अब मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो अपने जीवन में ज़रूर होगी, ताकि ये चीज़ अपने जीवन में नहीं होनी चाहिए, और अपना भी ध्यान रखे और किसी व्यसन का उपयोग ना करे, ताकि अपने बच्चों पर असर ना पड़े। कोई चीज़ ऐसी दारू वगैरह नशे की चीज़ हो उससे दूर रहे, ताकि अपने बच्चों को इससे दूर रखे। और इसके बारे में मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो जो ये भी, लेकिन इसी के अंदर बताया गया है कि आपको जीवन में इस नशा करने से आपको क्या क्या नुकसानी होती है, वो उसी के बारे में यह बताया गया है, ताकि आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं और ये वीडियो ज़रूर देखें। उससे पहले मैं आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, और उसके बाद में बताऊंगा कि नशे से क्या हालत होती है, वो उसी के बारे में अंदर पूरा वीडियो में पूरा दिया गया है, ताकि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नुकसानी होती है उसके बारे में। ये सब स्टैचू बनाए गए हैं, और स्टैचू से आपको देखने में आपको लगेगा कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करनी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। इसमें आपको जाने से पहले ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये अपने शरीर के लिए हानिकारक है, इसके बारे में बता रहे हैं पहले। ये देखो, ये पूरा पहले वीडियो इस तरह दिखाया जाता है, छोटा सा थिएटर बनाया गया अंदर, और इसके अंदर जाने का आपको बहुत कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। ये देखिए, पानी के एक बॉक्स में छोटे छोटे पेड़ और पत्थर रखे गए, और ऐसा बनाया कि आपको लगे कि रियल ये चीज़ है देखने के लिए। ये भी चीज़ आपको बहुत इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट करना ना भूले, ताकि ऐसे वीडियो आपको हम और दिखाते रहेंगे। ये देखिए, टुचू में मछलियाँ बनेगी। ये देखो, ये रियल मछलियाँ है। ये देखो, ये मछली ऐसी है कि आपको इसके आर पार दिखेगा, ये पानी पानी के कलर की मछली है। और ये देखो, छोटी छोटी मछलियाँ देखो, ये भी पानी कलर की, इसके आर पार आपको दिखेगा। ये देखिए, पूरी वाइट मछली और पीले कलर की भी मछली है। अनेक प्रकार की मछलियाँ इस गुरुकुल के अंदर, इस गुफा के अंदर है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह अलग अलग समुद्र से लाई गई ब्लैक कलर की मछलियाँ है, तरह तरह की मछलियाँ है, और जो दिखाने के लिए कि इस दुनिया में किस प्रकार की मछलियाँ होती है। और ये देखिए, काफ़ी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मछलियाँ तो बहुत सारी है, हर प्रकार की है, लेकिन ज़्यादा मैंने ये वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि 150 से ऊपर यहाँ पर मछलियाँ, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ है, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। देखो, रंग बिरंगी है, काफ़ी पब्लिक भी है, देखो दोनों साइड रखे हुए। कुछ इस तरह टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये देखिए, 150 से ऊपर यहाँ पर 150 प्रकार की मछलियाँ हैं इधर। ये देखिए, ये समुंदर से लाई गई है, और ये देखिए, ये तो पूरी अलग प्रकार की मछली है। और ये देखिए, यहाँ पर जाने से पहले आपको ये भी ज़रूर दिखाया जाएगा। और ये अब मैं जो आपको दिखाना जा रहा हूँ, ये जीवन में होना चाहिए। देखो, दारू पीने वाले के परिवार किस हालत में होता है, ये उसके बारे में बताया गया है, कि बच्चे भीख मांगते हैं और बेटा सिगरेट नशा सीख जाता है, और ये चीज़ जीवन में नहीं होनी चाहिए। ताकि अपने परिवार को सुखी रखना हो तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो इसकी तरह ही हालत होती है, पूरा परिवार भीख मांगने पर उतरा है केवल एक नशे की वजह से। ये उसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। और ये टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पर बटन दबाते तो ये शेर पूरा इस तरह कुछ हिलने लगता है। और ये देखिए, दारू पीने से अपने काल को बुलावा देना होता है, ये उसके बारे में बताया गया है। अगर कोई भी नशा करते हो तुम यमराज को बुलावा देते, ये उसके बारे में बताया गया है। ये देखो, बच्चा अपने पिता को समझा रहा है कि दारू नहीं पीना चाहिए, गलत बात है,
जब छोटी उम्र के बच्चे बड़ों को समझाए तो बड़ों को तो समझना चाहिए। और ये देखिए टीवी देखना कितना गुनाह है, देखो दादाजी पापा और बाप बेटे सब देख रहे हैं। ये टीवी का जर अपने मस्तिष्क को बच्चों से दूर रखे, ना उनका पढ़ाई में ध्यान है ना औरतों का रसोई में ध्यान है, केवल टीवी पे। ये भी एक तरह का जहर है, ये उसके बारे में पूरा बताया गया है। क्योंकि टीवी ज़्यादा देखना भी हानिकारक है, ये चीज़ आपको टीवी ज़्यादा नहीं देखनी चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरह स्टैचू बनाए गए कि अगर आप तंबाकू का व्यसन करते तो आपके चेहरे पर ये हालत होती है, उसके बारे में। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहें।